नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे और इसमें ANM के नए विज्ञापन को लेकर के। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप सभी ने देखा होगा, लगभग एक महीना पहले या 24-25 दिन पहले वो वीडियो पड़ा हुआ है, तो हमने आप सभी से कहा था कि अगस्त में आप विज्ञापन का इंतज़ार करिए। इस महीने अगर आना भी होगा तो जुलाई के लास्ट तक ही आ पाएगा। आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, बहुत सारे आप सभी के मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पर, तो आप सभी की रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो जितनी चीज़ें आपको पहले हमने बता दी थी वही चीज़ें अभी भी हैं। आपका विज्ञापन अभी भी इस महीने के लास्ट तक आ सकता है, आ जाएगा, या फिर नेक्स्ट मंथ में बहुत जल्दी अगस्त में। बाकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि नोटिफिकेशन इसी मंथ के लास्ट तक आ जाए। नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत आवेदन नहीं होंगे, आवेदन कुछ दिन के बाद स्टार्ट होगा। लेखपाल के लिए भी नई भर्ती की विज्ञापन को लेकर के आप सभी जानते हैं शासन स्तर से हरी झंडी मिल चुकी है। पदों की संख्या ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इन दोनों में, तो पदों की संख्या दोबारा से यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाता है। तो जो चीज़ें आपको ना पता हो या फिर जो भी नई अपडेट हो वही इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल में नेक्स्ट मंथ में ही ये दोनों विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल 100% उम्मीद है। और इसी के आसपास यानी अगस्त में ही, लगभग अगस्त या सितंबर तक ही लगभग आपको PET 2024 का विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। लोअर PCS में इस बार पदों की संख्या आपकी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा रहने वाली है। अभी इन सभी पदों के लिए ग्रेड पे, वेतन, PET की कटऑफ लगभग क्या रह सकती है, सिलेबस, योग्यता, सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा। और आप सभी विज्ञापन या नोटिफिकेशन का वेट न करते हुए, आप सभी को चीज़ें पता चल गई हैं, जो चीज़ें शासन स्तर से चल रहा है, शासन स्तर से जिन जहाँ पर निर्देश मिल चुका है, जिन भर्तियों के नए विज्ञापन को लेकर के, कुछ और भी भर्तियों के विज्ञापन आएंगे लेकिन जिनकी जानकारी मिल चुकी है, तो अब उन भर्तियों के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें, फिर नोटिफिकेशन आए, फिर कितनी हम तैयारी कर लेंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और आगे कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। तो बस आप समझ लीजिए कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रीवियस कटऑफ को भी लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी पहुँचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को लेकर के, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ANM और लेखपाल का नोटिफिकेशन 1 से 1.5 महीने के अंदर इन दोनों ही भर्तियों का विज्ञापन आप सभी के सामने होगा। और इसी के बाद PET 2024 और लोअर PCS का विज्ञापन, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये सभी विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल है कि सितंबर तक ही, अक्टूबर ना जाए, अगस्त सितंबर तक ये चारों। देखिए, PET 2024 के लिए कोई इंतज़ार नहीं कर रहे, वही अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे होंगे जिन्होंने पहले पेट नहीं दिया होगा या फिर जिनके स्कोर अच्छे नहीं होंगे और आने वाले समय में भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो अब वो PET 2024 का वेट कर रहे होंगे क्योंकि अभी उनके पास कोई पेट होगा या फिर कम स्कोर होगा, तो उनके लिए फिर वही ऑप्शन है UP SSC से भर्ती के लिए हम पेट दें। UP SSC से किसी भी भर्ती के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो PET होना अनिवार्य है। और लोअर PCS के लिए जो भी चीज़ें, जो भी बातें चल रही थी, आप सभी ने देखा होगा कुछ समय पहले कि PET हटने वाला है या फिर बिना PET के विज्ञापन आएगा, यानी निराधार बात है। आप सोचिए कि UP SSC से कोई एक विज्ञापन बिना पेट के दे देंगे क्या? मैंने, यानी विज्ञापन आते ही तुरंत विवाद स्टार्ट हो जाएगा। हमने तब भी आप सभी को बताया था कि ना पेट हटने वाला है और ना ही बिना पेट के कोई विज्ञापन आने वाला है। या तो कोई अलग विभाग हो या कोई अलग आयोग भर्ती कराए, बात अलग है, लेकिन अगर UP SSC से विज्ञापन आएगा, जो कि ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियाँ हैं वो सभी की सभी UP SSC से ही आयोजित करवाई जा रही हैं, ग्रुप सी और डी के लिए। बाकी उसके ऊपर की जो भर्तियाँ होती हैं बी के लिए, तो वो लोक सेवा आयोग करवाते हैं। ANM के लिए आपके पास ANM का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए प्लस UP स्टेट काउंसिल, जो नर्सिंग काउंसिल स्टेट काउंसिल होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। ये दो चीज़ें अनिवार्य हैं आपके लिए। और PET कटऑफ को लेकर के आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, PET कटऑफ पिछली बार की तरह इस बार भी रह सकता है। यानी अगर आपके एक, बस आपके नंबर जो है नॉर्मलाइज्ड और वास्तविक स्कोर दोनों में आपके जो नंबर है नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, और जो भी आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है वही देखा जाता है, तो उसमें आपका स्कोर नेगेटिव, ये क्वेश्चन आप सभी के बहुत आते हैं, तो उसमें आपका स्कोर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, यानी 0 के ऊपर कुछ भी हो, 0.25 हो, 0.50, चूँकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसी तरह से नंबर हो सकते हैं आप सभी के, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा और चेंज होता है। तो जो भी आपके नंबर हो लेकिन 0 से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो आप सभी तैयारी करिए, अगर आपके पास PET 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड है, 0 से ऊपर नंबर है, तो आप तैयारी करिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। 2000 ग्रेड पे की आपकी भर्ती है,
और लगभग जो है 32-33 हज़ार रुपये तक सैलरी बन रही है वर्तमान में। 2800 ग्रेड पे को लेकर के संघर्ष किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि 2800 ग्रेड पे हो जाएगा। पहले 2800 ग्रेड पे पर ही भर्तियाँ हुई हैं बहुत पहले, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि एक नया शासनादेश आता है उसके बाद से ग्रेड पे को घटा दिया गया था। लेखपाल में भी आप देखेंगे सेम चीज़ें हैं ग्रेड पे को लेकर के। अभी आप देखेंगे यूपी पीसीएस में नायब तहसीलदार की ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है। पहले 4200 ग्रेड पे था, जो कि 4200 ग्रेड पे होना नहीं चाहिए, कम से कम 4600 होना चाहिए जो भी सम्मुख की भर्ती है, लेकिन 4200 ग्रेड पे पर उपद होता था तो वहाँ पर ग्रेड पे बढ़ाया जा रहा है शासन स्तर से। तो इसी तरह से आपके भर्तियों में भी या फिर आपके पदों के लिए भी ग्रेड पे बढ़ाया जा सकता है। लेखपाल के लिए भी 12th पास होना चाहिए। ANM में पूर्णतः आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई इसमें अतिरिक्त और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चन एक नंबर का 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। लेखपाल में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ग्रामीण परिवेश का भी पार्ट रहेगा, जीके करंट अफेयर। अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ तो बिल्कुल पिछला वाला सिलेबस आपको देख लेना है अच्छे से, वही सिलेबस आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। लोअर PCS की भर्ती पहली बार PET से होगी तो इसके सिलेबस में बदलाव 100% होने वाला है। लेखपाल में अगर PET कटाव को लेकर के बात करें तो देखिए PET की कटाव लेखपाल में थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लगभग 60 के आसपास, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, ये PET 2023 के आधार पर भर्ती है तो इस बार कटाव कम रहेगा, लगभग 50 के आसपास, क्योंकि इस बार आप सभी जानते हैं कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। तो 50 से अगर कम भी हो, यानी 45, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, या फिर थोड़ा सा अनुमानित चीज़ें भी यहाँ पर आप सभी अपने से भी एनालाइज कर सकते हैं। अभी PET 2023 की जो भी भर्तियाँ हैं जिनमें ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो वहाँ पे देखना होगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है। बाकी जो पुरानी भर्तियाँ हैं या फिर जहाँ पर अभ्यर्थी कम होते हैं तो वहाँ पर तो कट ऑफ बहुत कम रहती है, या फिर कट ऑफ बनती ही नहीं, केवल 0 से ऊपर नंबर होने चाहिए। तो फिलहाल में आपके नंबर कम हो तो भी आप तैयारी करिए, अगर आपके PET स्कोर कार्ड में नंबर कम भी हो, बस आप ये समझ लीजिए कि चूँकि आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, अगर आप ध्यान से अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपके कम नंबर हो तो भी आप तैयारी करें, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग में जो कितने गुना अभ्यर्थियों को लेना है मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसमें वो चीज़ें बढ़ती जा रही है, पहले 30 गुना, फिर 32 गुना, इवन आप देखेंगे 40-45 गुना तक अभ्यर्थी बुला लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो PET की कटाव बहुत कम भी जा सकते, हो सकता है कि 40-45 तक सबको मौका मिल जाए। ऐसा पहले हो चुका है कुछ भर्तियों में कि जहाँ पर लोगों ने कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बता दी, कम नंबर वाले अभ्यर्थियों ने तैयारी नहीं की, बाद में उनको भी मौका मिला, फिर वे अभ्यर्थी बहुत पछता रहे थे कि लोगों की बातें सुनकर के उन्होंने तैयारी नहीं करी। तो अगर आपके नंबर कम भी हो तो भी आप तैयारी करिए, और सेम चीज़ें लोअर PCS में भी है, इसमें पदों की संख्या इस बार ज़्यादा रहने वाली है, पदों की संख्या हो सकता है कि 1000 के ऊपर भी चली जाए। अब 1000 के ऊपर जितना भी हो, मैं 2000 नहीं कह रहा हूँ, 2000 से कम 1500 1400-1300 कुछ भी हो जाए, लेकिन 1000 से ऊपर भी जा सकती। बाकी देखिए शासन के ऊपर है और इसमें कई तरह के पद हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, SI होते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ACO होते हैं, सहायक उद्यान निरीक्षक होते हैं, सहायक जिला सूचना अधिकारी होते हैं, इस तरह के कई सारे पद इसमें अच्छे अच्छे पद होते हैं। और लोअर PCS की भर्ती 4200 ग्रेड पे की होती है। ANM लेखपाल वर्तमान में 2000 ग्रेड पेपर है, जबकि लोअर PCS जी ये सभी 4200 ग्रेड पे वाले होते हैं, वही मुख्य सेविका है, वो अंदर होगा है, 2800 ग्रेड पे वाली भर्तियाँ हैं। तो लोअर PCS की भर्ती 4200 ग्रेड पे की है। और सिलेबस की बात कर ले, नया सिलेबस क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इसमें GK GS करंट अफेयर ये रहने वाला है, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया आपका, हिंदी हो गया आपका, तो ये चार सेक्शन हो सकते हैं, मे बी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। कंप्यूटर का सेक्शन वहीं पर ज़्यादातर वहीं पर ऐड हो रहा है जहाँ पर कंप्यूटर की चीज़ें जैसे टाइपिंग वगैरह है या फिर कुछ और उसमें है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो फिलहाल में आप GK हो गया, हिंदी हो गया, ये सभी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ रीजनिंग भी आप ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि आप सभी में से ज़्यादातर लोग आगे PET फिर से दोबारा भी देंगे शायद। लोअर PCS के लिए कुछ पद जो होते हैं सामान्य स्नातक वाले होते हैं, इसमें 12th नहीं, सामान्य स्नातक होना चाहिए कुछ पदों के लिए, और बाकी कुछ पदों के लिए स्पेशल योग्यता मांगी जाती है स्नातक में, किसी विषय पर्टिकुलर विषय में इस तरह से उसमें अर्हता मांगी जाती है। जैसे आपका सहायक उद्यान निरीक्षक का पद हो गया, तो सितंबर और लेट से लेट अक्टूबर तक लोअर PCS के नई भर्ती का विज्ञापन आप सभी के बीच होगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, तो आप लोग तैयारी में लग जाए अच्छे से, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा सभी के सभी लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती के लिए, तो वो लोग पूरा जोर लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे सिलेक्शन के लिए। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप समझ लीजिए कि आउट ऑफ 100, देखिए क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का ही होगा इसमें भी, तो कम से कम आप समझ लीजिए कि
80 के ऊपर ही आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, बाकी वो कितना चला जाए अगर लेखपाल में देखेंगे 8085 पद होने के बावजूद 85 नंबर चली गई कट ऑफ जनरल के लिए, यानी 80 के ऊपर ही आप मान करके चले मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। कितना भी पेपर का लेवल हार्ड हो, अगर बहुत हार्ड आ गया तो उस स्थिति में हो सकता है कि 70 के आसपास आ जाए। जैसे आप देखें अभी हाल फिलहाल में कुछ पेपर में ऐसा हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, PET 2023 का हो गया, जहाँ पर 80, 85, 90 पाने वाले अभ्यर्थी पिछले PET 2022 में, इस बार 55, 60 तक पहुँचने में सबकी हालत ख़राब हो गई। तो पेपर के लेवल के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन फिलहाल में आप सभी कम से कम 85 प्लस का ही टारगेट लेकर के कि चले अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो किसी भी भर्ती में। PET 2024 में सिलेबस बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें सिलेबस बिल्कुल पुराना वाला ही रहेगा। इसमें कोई कट ऑफ है नहीं, आप जिस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे आपके जितने परसेंटाइल स्कोर होंगे, जितनी आपकी रैंक बनेगी उसमें, उसी के हिसाब से आपको मौका मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो आप कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा स्कोर करने की, और बिल्कुल उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में PET 2024 का भी विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, या फिर लेट से लेट सेप्टेम्बर। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर किसी भी अन्य भर्ती से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।